नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम, ताकि आप कोरोना से बच सके। और ये आप सबको समझना है कि अभी कोरोना का खात्मा पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो वैक्सीन सबको ज़रूर लगवानी है। बार बार न्यूज 24 मध्य प्रदेश आपसे अपील करता है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अब सामने आ गया है, ऐसे में क्या कुछ हमें करना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, अपने इम्यून को कैसे हम बढ़ाएं, बहुत सारे सवाल जो आपके मन में है पूछूंगी मैं डॉक्टर से। और हमारे साथ डॉक्टर जो हैं केदारनाथ देवांगन, जो कोरोना काल में आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का जवाब देंगे, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया इसलिए ज़रूरी है आपका क्योंकि इस समय और इतना बेहद अमूल्य समय निकाल कर आप आए लोगों को बताने की क्या कुछ करना है। चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं आप डॉक्टर, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ख्याल अगर किसी चीज़ का रखना है तो चेस्ट का, लंग्स का रखना होता है, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। थर्ड वेरिएंट, अब इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, ये कहा जा रहा है कि थर्ड तीसरी लहर आ सकती है, उससे पहले आप खुद को स्वस्थ रखें। कैसे अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को, अपने चेस्ट को स्ट्रॉन्ग रखें? डॉक्टर सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो डॉक्टर से हम कांटेक्ट फिर से करेंगे और उनसे पूछेंगे, सीने में दर्द हो तो क्या करें और कितना सावधान रहने की ज़रूरत, हार्ट पेशेंट्स को क्या कुछ करने की ज़रूरत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सीने में दर्द एक कॉमन लक्षण है। अगर आपको लगता है आपके सीने में दर्द है तो बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें। सीने में दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कई बार सीने में दर्द होता है तो लोगों को लगता है कि एसिडिटी की वजह से है, गैस की वजह से है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए सीने के दर्द को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं करें। डॉक्टर देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, एक बार मैं आपका फिर से शुक्रिया कहना चाहूँगी और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मेरा, क्योंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और कोरोना काल में अपने चेस्ट का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, तो कैसे अपने सीने का ख्याल रखें, इसके अलावा मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं एक एक करके आपसे पूछते रहूँगी। जी, डॉक्टर आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। तो कैसे अपने सीने का ख्याल रखें, अपने चेस्ट का ख्याल रखें कोरोना काल में, क्योंकि सीने में दर्द की शिकायत आए दिन होती है और बहुत दफा ऐसा देखा जाता है कि इग्नोर कर दिया जाता है कि एसिडिटी की वजह से पेन होगा, अरे सुबह तक ठीक हो जाएगा, अजवाइन खा लो, घरेलू नुस्खे किए जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में देखा गया है कि कोरोना पेशेंट्स को सीने में दर्द होता है या हार्ट पेशेंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्या कुछ करें? है, मैं माईसेल्फ डॉक्टर केदारनाथ देवांगन, आई एम कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट एट ओम हॉस्पिटल रायपुरा चौक रायपुर। तो ये कोरोना के बाद जो चेस्ट पेन की जो शिकायत हो रही है, इसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में लेके आते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें होती हैं कि अगर जब कोरोना हुआ है उस टाइम पे लोगों को माइल्ड सिम्टम दिख रहे हैं, एसिम्टोमेटिक थे कुछ पेशेंट, लेकिन देखा गया है कि एक महीने बाद उनके में निमोनिया डेवलप हो जा रहा है। इसलिए वजह ये भी हो सकती है कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है। दूसरा, हार्ट में भी संभावना है कि MI का भी अटैक आ सकता है, तो उसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर को, अपने सलाहकार को बिल्कुल दिखाइए और उसका उचित इलाज करवाइए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और अभी थर्ड वेव के जी जी डॉक्टर, थर्ड वेव क्या जो आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अगर हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो काफ़ी संख्या में अब भारत में लोग मिल चुके हैं, और
डेथ भी हुई है डेल्टा प्लस से, तो ऐसे में कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स में फैलता है और वो इतनी जल्दी फैलता है कि इंसान जब तक समझता है तब तक वो इंसान को हरा चुका होता है और वो काफ़ी तादाद में फैल चुका होता है। कैसे ख्याल रखें? जी हाँ, अभी सुनने में आ रहा है कि कोरोना डेल्टा वेरिएंट एक और आया है प्लस, जिसमें हम भारत अभी की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बताऊँ कि भारत सेकंड पोजीशन में है, फर्स्ट में अमेरिका है 70% है और 40% हमारे भारत में मिल गए हैं, उसमें से 6-7% हमारे मध्य प्रदेश में मिल गए हैं जिसमें 2 की डेथ हो गई है। तो ये डेल्टा वेरिएंट को ऐसा सोचा कहा जा रहा है कि ये थर्ड वेव में ये आने की संभावना है, लेकिन इससे अपन अगर बचना है थर्ड वेव से, ये डेल्टा वेरिएंट से, तो हम मैक्सिमम मात्रा में जितना वैक्सीनेशन कराएं उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट इंग्लैंड के हिसाब से उन लोगों ने देखा कि जब सेकेंड वेव के पहले वहाँ की मैक्सिमम लोगों को जब वैक्सीनेशन हो गया तो सेकेंड वेव के होने के बाद भी उनको मॉर्टलिटी बहुत कम हुई और इन्फेक्शन रेट भी काफ़ी कम हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जितने लोग हैं सब मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन कराएं और जितना जल्दी करा सकते हैं वो करवाएं, क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी होती है जो 3 महीने तक होती है कोरोना के बाद। जैसे अभी अप्रैल के बाद कोरोना का अभी कंट्रोल हो गया लगभग सभी जगह, हमारे छत्तीसगढ़ में भी आज अभी रिसेंट बहुत कम केस आए हैं, 300-400 के 200 के आसपास आ रहे हैं और रायपुर में 20 केस हैं। तो अभी कंट्रोल होने के बाद ये हर्ड इम्यूनिटी 3 महीने तक रहेगी, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक, उसके बाद चांसेस है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी कम होती है तो फिर थर्ड वेव आने का, जिसमें कि डेल्टा वेरिएंट को देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट आ सकता है। तो हम ये कोशिश करें कि ये 3 महीने बाद भी हमारी हर्ड इम्यूनिटी बने रहें, उस हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। जो पहले वैक्सीनेशन करवा चुके हैं फरवरी मार्च में वो बूस्टर डोज भी ले सकते हैं, इसी चीज़ से हम बच सकते हैं थर्ड वेव से। जी, बूस्टर डोज क्या है डॉक्टर? बूस्टर डोज होता है कि अगर किसी को 2 डोज लग गया है पहले, जो मोस्टली जो हेल्थ वर्कर को लगे थे, जो फरवरी की बात करें फरवरी मार्च में जो मैक्सिमम लोगों को लग गया था, तो देखा गया कि 6 महीने तक है उसका एंटीबॉडी का जो भी इम्यूनिटी है, तो 6 महीने बाद मैं चाहूँगा कि एक और बूस्टर डोज ले सकते हैं कि थर्ड वेव के पहले, जिससे कि थर्ड वेव से बचा जा सके। तो क्या वैक्सीनेशन लगवाने के 6 महीने बाद? मार्केट में कई तरह के वैक्सीनेशन भी आ रहे हैं इस डॉक्टर, वैक्सीनेशन करवाने के 6 महीने बाद क्या वैक्सीन का असर नहीं रहता है, इसलिए बूस्टर डोज की जरूरत है या फिर एक ये एड ऑन है? ये एक आप मान लीजिए एड ऑन है कि 6 महीने तक अपन देखते हैं कि एक एंटीबॉडी टाइटर कराना रहता है, अगर एंटीबॉडी टाइटर एक लेवल से कम हो तो मैं बोलूँगा कि एक वैक्सीनेशन का डोज बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। जी जी, अब मैं थोड़ा हार्ट पेशेंट्स के लिए भी जानना चाहूँगी, क्योंकि पोस्ट कोविड काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कोविड से तो उभर जा रहे हैं लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि फला को हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई, फला को ये हुआ तो डेथ हो गई, ये बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, इसके लिए क्या एहतियात बरते? दूसरा मेरा एक और सवाल है, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जिन लोगों को नज़ला रहता है, साइनस की दिक्कत है, उनको इन्फेक्शन बहुत रहता है, कफ उनके चेस्ट में बहुत रहता है, और ऐसे लोगों को अब कोरोना से कितना बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको तो लगता है कि बहुत जल्दी कोरोना हम पहुंचाएगा। जी, देखा गया है कि जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, जो जिनको अभी एमआई के अटैक देखा गया है कि कोरोना के बाद ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अपने कॉगुलेशन फैक्टर हैं बॉडी का, जो इन्फ्लामेशन है उसके वजह से वो हार्ट में भी असर कर रहा है, तो वो जो भी स्टेटिन जो मेडिसिन जो भी हार्ट की दवा जो ले रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाएं, कार्डियोलॉजिस्ट को। दूसरा, जो लंग के पेशेंट हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको एलर्जी है, जिनको COPD है, जिनका फेफड़ा फैल गया है, तो ऐसे लोग कोरोना वैक्सीन तो लगाएं, साथ में एक निमोनिया का वैक्सीन वो जरूर लगवाएं और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाएं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल में सितंबर से अक्टूबर तक महीने लगवाना चाहिए, वो 15 दिन बाद एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और दूसरा वैक्सीन होता है निमोनिया का, उसमें भी 2 टाइप का है, एक प्रेवना एक PCV 30 है जिसको लाइफ टाइम के लिए लगाना जरूरी है, और एक दूसरा है
न्यूमोवैक्स 23 जिसको हर 5 साल में लगाते हैं। तो ऐसे लोग ये वैक्सीनेशन लगाने से उनको अगर फर्दर थर्ड वेव आता है, दोबारा कोरोना होता है, तो निमोनिया के चांसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है और उनको निमोनिया भी डेवलप नहीं हो पाएगा, ना सीवियर कंडीशन में जा सकते हैं। इसलिए कोरोना वैक्सीन के साथ भी ऐसे लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो आप बता रहे हैं ये उनके लिए है जिनको दिक्कत है साइनस नज़ला इस तरह की, उनको ही लगवाना है ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन? यस हाँ। और बाकी ऐसे भी कंडीशन है जो 60 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं और जो एल्डर लोग हैं और जिनको लंग्स की समस्या है, जिसमें लंग के फेफड़े ख़राब हैं, जिनको एलर्जी की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, जिनके फेफड़े फैले हुए हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे लोग ज़रूर लगवाएं वैक्सीन कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा। और खाने पीने का क्या ख्याल रखें, खाने पीने में क्या क्या एहतियात बरतें? ठंडी चीज़ें तो कहा जाता है कि मना होती है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं डॉक्टर जो हेल्दी तो बहुत होती है लेकिन एसिडिक होती हैं। कई बार एसिड की वजह से भी दिक्कत लोगों को सामने आती है और उनको काफ़ी पेन चेस्ट में होता है। जी, ऐसे में अगर पोस्ट कोविड हो रहा है लोगों को और अभी इसके इस लेवल में कि अपन को थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए डाइट और एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। तो डाइट में हम जैसे कि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें हैं और जो एलर्जी वाले पेशेंट हैं उनको स्पेशली दही और खट्टी चीज़ें, बैंगन का भरता, ये ऐसी कई कई चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और एक प्रोटीन युक्त, हाई प्रोटीन युक्त डाइट लीजिए, जैसे कि दाल, सोयाबीन की बड़ी, पनीर, ये सब डाइट लीजिए, अपने शामिल कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। जी, पोस्ट कोविड और क्या क्या हमें ऐड ऑन कर लेना चाहिए अपने खाने में, हमारा पूरा एक दिन का रूटीन क्या होना चाहिए? क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नींद ना आना, भूख का कम लगना, एक अजीब सा डिप्रेशन रहना, ये जो सिम्टम्स हैं लोगों में दिखाई दे रहे हैं। वीकनेस तो होती ही है, तो फिर उसमें ये कह दिया जाता है कि भाई इतनी लंबी बीमारी से आप उठे हैं तो वीकनेस रहेगी कुछ दिन, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को हराने के लिए हमारा एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए? जी, एक आपने सही बोला, पोस्ट कोविड के बाद एक सिंड्रोम बोला गया है इस नाम को, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल से लेके पल्मो से लेके सारे सिस्टम का डिसऑर्डर हो रहा है, जिसमें डिप्रेशन से लेके वीकनेस से लेके बाकी और कुछ समस्या आ रही है। तो इसके लिए आप एक रूटीन में आप बिल्कुल रहिए, जिसमें रूटीन में आप रात में सही टाइम पे सोइए और सुबह सही टाइम पे उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए और एक्सरसाइज कीजिए और अपने खाने का शेड्यूल और टाइमिंग करेक्ट टाइम पे कीजिए और अपने बीएमआर के हिसाब से डाइट लीजिए, ना उससे ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेना है ना लो कैलोरी डाइट लेना है, एक बैलेंस डाइट लीजिए और खाने में फल फ्रूट सब्जियाँ ये सब ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हमें अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपने मसल्स मास को बढ़ाना है, तो उससे ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और हम कोरोना से लड़ सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग जो वेंटिलेटर को हरा कर, वेंटिलेटर पर जाकर कोरोना को हरा कर, मौत को हरा कर आए हैं, तो कुछ समय तक तो उनका इतनी उनको वीकनेस होती है कि वो कई बार बेड से नहीं उठ पाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसे लोग एक्सरसाइज तो नहीं कर पाएंगे जाहिर है डॉक्टर, कुछ समय तक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बैठे बैठे कुछ वो ऐसा करें कि उनकी इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो और वो तो उनकी ऑक्सीजन में भी उनके फ़र्क पड़े, योग वगैरह कुछ ऐसा प्राणायाम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बेड में भी बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी। इसमें भी रेस्पिरेटरी में कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि आप पर्स लिप ब्रीदिंग करते हैं और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं और एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर आता है जिसके थ्रू आप ब्रीदिंग करते हैं, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में कैसे भी कंडीशन में आपको करना चाहिए। एक बात और मैं जानना चाहूँगी, बड़ा इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन सा है, वो ये कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो कोविड से ठीक हो जाने के कितने समय बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, अभी नए नए गाइडलाइन अभी रिसेंटली अपडेट हो रहे हैं,
इसमें वही सब एंटीबॉडी टाइटर के हिसाब से हम गाइडलाइन बना रहे हैं। तो इसमें इसके हिसाब से 3 महीने बाद अगर कोविड हुआ है, कोविड से सिम्टम होता है फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, जैसे कि अभी भी स्वाइन फ्लू का साइकिल चल रहा है, उसके लिए मैं स्वाइन फ्लू वालों के लिए मैंने हर साल उनको वैक्सीनेशन करवाता हूँ, जिसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रहता है, जिसके थ्रू वो अगर होगा इन्फेक्शन भी तो सीवियरिटी उसकी कम होगी। तो ऐसे ही हम इसको कोरोना वायरस को भी मान लेते हैं कि ये हर साइकिल तो रिपीट होना ही है, जैसे ही हर्ड इम्यूनिटी लोगों की कम होगी तो ये इन्फेक्शन फिर से हो सकता है दोबारा, तो इसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक रूटीन बन जाएगा कि अगर ये कोई वैक्सीन 6 मंथ तक काम कर रहा है तो ये रूटीन में आ जाएगा कि 6 मंथ बाद आप वैक्सीनेशन लगा लो। और ऐसे लोग जरूर लगाएं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जो डायबिटिक वाले हैं, जिनको हार्ट की डिसीज़ है, जिसको किडनी डिसीज़ है, जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनर है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको तो वैक्सीनेशन अब लाइफ टाइम ही लगाना जरूरी हो जाएगा कि 6 मंथ बाद हर वैक्सीनेशन का रिपीट करना जरूरी हो जाएगा। उसके अलावा भी जो 2 गज की दूरी और हाथ सैनिटाइज करना, हाइजीन करना, ये तो हमें अब लाइफ टाइम तक मेंटेन करना है। एक चीज़ और, ये कोरोना के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं? क्योंकि पहले कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, हम उससे उभरे, फिर लोगों ने नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी, हालांकि लोगों ने लापरवाही भी बरतनी शुरू कर दी, फिर सेकेंड वेव आई, अब उससे धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है, अब थर्ड वेव की बात आ गई, अब मान लीजिए थर्ड वेव आ गई, फिर उससे उभरेंगे और फिर हम क्या, फिर चौथी वेव भी आ सकती है, तो क्या अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है? जी, ये वायरस डेफिनेटली इन्फेक्शन ऐसा चीज़ है, वायरस ऐसा चीज़ है, ये बेसिकली आरएनए से बनता है और इसमें पर्टिकुलर एक टाइम के बाद म्यूटेशन होता रहता है, पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन होते रहता है। तो ये म्यूटेशन अगर 6 मंथ बाद हो रहा है, 1 ईयर बाद हो रहा है, तो ये म्यूटेशन तो लगातार कंटिन्यू होता रहेगा। हाँ, बट अपन सावधानी रखें, वैक्सीनेशन करवाएं, तो ये सब चीज़ से हम बच सकते हैं। एक बात मैं और जानना चाहूँगी डॉक्टर, क्योंकि कोरोना को लेकर तो खैर भ्रांतियाँ भी बहुत हैं और वैक्सीन को लेकर तो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि वैक्सीन लगवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वैक्सीन के दोनों डोज़ को लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कई खबरें हम ही पढ़ते हैं। अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी कि लोग डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए, लोग नहीं लगवा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं लगवाने दे रहे हैं, इतना खौफ जो लोगों में भर गया है वैक्सीन को लेकर। तो आप एक डॉक्टर हैं, तो आप ही उस खौफ को, उस डर को निकाल सकते हैं। जी, देखिए, वैक्सीन तो लगाना सबको ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन हम उनको दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जो वायरस एचआईवी वाले हैं, जिन किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, शुगर वाले, सबको वैक्सीन दे रहे हैं। वैक्सीन के लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप वैक्सीन सबको ही लगाना है। कई पेशेंट आते हैं मेरे क्लिनिक में, सर हमारा ये दवा चल रहा है, हम वैक्सीन लगा सकते हैं, सर हमारा, मुझे अस्थमा है, मैं लगा सकता हूँ। तो मैं यही खुल के वो यही बोलना चाहूँगा कि वैक्सीन के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और अभी तो वैक्सीन के लिए बच्चों में भी अब स्टडी, बच्चों में भी सेफ है, प्रेगनेंसी में भी अब यहाँ लगने लग जाएगी, मतलब वैक्सीन इतना सेफ है कि हम बिल्कुल सबको लगाना चाहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप आँख बंद करके वैक्सीनेशन लगाएं, अगर आपको और कोरोना के प्रकोप से बचना है, थर्ड वेव, फोर्थ वेव सबसे बचना है, तो वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत वैक्सीनेशन जी जी डॉक्टर, एक चीज़ और कि पोस्ट कोविड जो लोगों को अलग अलग तरीके के उसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं, ब्लैक फंगस उनमें से एक है, इंसोमनिया उनमें से एक है, और ख़ास तौर पर अगर ब्लैक फंगस की डॉक्टर बात की जाए तो उसके काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिले, कुछ की डेथ हुई, कुछ की आंखों की रोशनी गई, कुछ ठीक भी हो गए। ब्लैक फंगस के क्या सिम्टम्स हैं कि हम तुरंत पहचानें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ? जी, देखिए, ब्लैक फंगस एक रेयर डिसीज़ है, मतलब बहुत ही कम होता है ये डिसीज़, लेकिन अभी कोरोना टाइम में अननेसेसरी स्टेराइड लोगों को चला है, हाइपर ग्लाइसीमिया स्टेट लोगों को, सबको शुगर का लेवल सबका बढ़ा है अननेसेसरी, हर कोई व्हाट्सएप में प्रिस्क्रिप्शन लेके स्टेराइड ले रहे हैं, तो ये सारे कंडीशन हैं जिसके लिए फंगस के लिए एक जगह बन जाती है कि ग्रोथ करने के लिए। तो बिल्कुल इसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए कि अगर हमें कोई सिम्टम दिखता है, जिसमें कि अगर ऊपर से मैं बात करूं आंखों की, तो आंखों में अगर मान लो अगर लाल आंखें में रेडनेस आ रही है, अगर ओरल माउथ की बात करूं तो ओरल मिकोसा में अगर कोई ब्लैकनिंग दिख रहा है, दांतों में कोई ब्लैकनिंग दिख रहा है, अगर नाक में कुछ ब्लैकनिंग दिख रहा है, कलर डिसकलरेशन हो रहा है, तो अगर
कफ हो रहा है, कफ काफ़ी लंबा है, लंबे समय से हो रहा है, तो बिल्कुल सीटी स्कैन करके आप हम फंगल को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ब्लैक फंगस के लिए, क्योंकि स्टेरॉयड इतना यूज़ हुआ है, सारे पेशेंट लगभग लिए हैं, तो एक उनका एक जरिया बन जाता है कि फंगस को अटैक करने का, इन्वॉल्व होने का बॉडी में, तो इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कोरोना से बचने के लिए अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या खाएं, ये तो मैं रोज़ पूछती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको कम्प्लीटली अवॉइड कर दें ताकि कोरोना से हम बच सकें? जी, अगर मैं एडिक्शन की बात करूँगा तो अल्कोहल तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, और स्मोकिंग, ये दोनों चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। दूसरा, अगर डाइट की बात करें तो डाइट में तो सभी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन ऐसी डाइट मत लीजिए जिससे कि आपकी ओबिसिटी बढ़े, जैसे कि सुगरी चीज़ें, ऐसी सुगर वाली चीज़ें ये अपने डाइट में डेली आप शामिल मत करें, उससे अवॉइड करें। सॉल्ट वाली चीज़ें, वो वाली चीज़ें अवॉइड करें, सॉल्ट वाली चीज़ें अवॉइड करें, तो जिससे कि आप एक नॉर्मल अपना बीएमआर, अपना बॉडी वेट, ये सब का ख्याल रख के आप एक मेंटेन बैलेंस डाइट लेंगे तो इससे अपन बचा जा सकता है। और बिल्कुल जो नहीं लेना है तो एडिक्शन तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग, अल्कोहल और कई सारी डाइट में, और भी जो हाई कैलोरी हाई शुगरी डाइट है, फास्ट फूड है, वो सबको अवॉइड करना पड़ेगा। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और आपने कहा कि ओबेसिटी, क्योंकि कई ऐसी खबरें भी आई हैं कि लोग जिनको कोरोना हुआ उसके बाद उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा खाओ, और इस चक्कर में लोग सब कुछ खा लेते हैं ताकि इम्यून अच्छा रहे और कोरोना ना हो और कोरोना का इफेक्ट जो है वो काफ़ी कम हो। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी, इतनी अहम जानकारी देने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमें कैसे इस कोरोना से और डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।